आगरा के अदमतपुर के गांव बैरामपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण 18 वर्षीय मनीष पुत्र रामू निवासी बैरामपुर 28 जनवरी को 12 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 20 घंटे के बीच जाने के बाद भी प्रशासन के कान में कोई जू नहीं रहकी। इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया और मौके पर थाना प्रभारी खंडौली संयुक्त टीम के साथ पहुंचे, जहां लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गुस्साए बैरामपुर गाँव के लोगों ने रोड पर सब रख कर घंटों तक हंगामा खड़ा किया। मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में सब लोगों को समझाया है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा के अदमतपुर से मिल रही है, जहां लोगों ने शव को लेकर रोड पर रखकर जाम लगा दिया है। वहीं लोगों ने विद्युत विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके चलते बच्चे की मौत हुई है। 18 वर्षीय मनीष पुत्र निवासी बैरामपुर का बताया जा रहा है, जिसमें उसकी मौत हुई है। क्या मामला है? लाइट का मामला है सर। ये लाइट की ज़्यादा दिक्कत है, तार ऊपर छत से ऊपर होके जा रहे हैं। 11,000 मेरी भैंसें भी मर गई हैं, 4 मेरे हाथ भी जला हुआ है बिजली। आपकी आपका जो ये हाथ जला है, उंगलियां कटी हैं, ये कब का मामला है? चार पाँच साल हो गए आज फिर ये घटना हो गई। क्या मामला है, रोड क्यों जाम किया? रोड इसलिए जाम दिया है, बेटे की 11,000 की लाइन से चैट होगी। क्यों, किस स्थिति में डेथ हुई? लाइन मेरी छत के ऊपर होकर जा रही है। अच्छा, आपने कभी बिजली विभाग को इस विषय में कभी सूचना दी? 5 साल में कम से कम 20 बार दे चुका हूँ। 50,000 रुपए की डिमांड करते हैं, 10,000 रुपए लाइन मैन को दे चुका हूँ संजय को। कौन 50,000 रुपए की डिमांड करता है? क्या नाम है जेई का? नाम तो मुझे याद नहीं है। नाम तो पहले कभी, मतलब अभी फिलहाल में तो शिकायत नहीं की है, जैसे शिकायत का समय काफी लंबा रहा। जी साहब, कौन से फीटर का मामला? कुबेर पर फीटर का। अच्छा, अभी घटना हुई है, किस कारण हुई? ये बिजली का तार मेरी छत के ऊपर होकर जा रहा है। 11,000 फिर बच्चे को, बच्चा यहाँ रहता नहीं था, वो आया था घूमने के लिए। कब की घटना है ये? कल की घटना है। आज फिर रोड जाम क्यों किया? आज रोड इसलिए जाम किया कि कल पुलिस वालों ने, ना तो उसका बाप था, जबरदस्ती लेके गए, पंचनामा कराया, कोई सुनवाई नहीं है। कल पोस्टमार्टम करा के कल को कोई दुर्घटना घटती है, बिजली विभाग से तो कोई कर्मचारी नहीं आया। अभी तक यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि, कोई प्रशासन से कोई भी अधिकारी या कोई पहुंचे? कोई भी नहीं, विधायक आए ना, कोई भी नहीं है। रोड जाम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकारियों को यहाँ बुलाना, मेरी समस्या का। और नाम मेरा प्रणवीर है, सन ऑफ जयपाल से। क्या मामला है जो रोड जाम किया है? सर, ये हमारे पड़ोस में लगा रहता है, ये कल 11,000 की लाइन के संपर्क में आने से इसकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट। वहीं पुलिस आई थी, पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटी करते हुए इसको ले जा गई और हॉस्पिटल में ले जाकर इसका पोस्टमार्टम करा दिया। सुबह आज हमको 4 बजे इसकी डेड बॉडी सौंप दी पुलिस ने। और पुलिस को हमने, जब गांव वालों सभी ने मना किया कि इसके फादर फरीदाबाद में है, उनको आने दो, पुलिस ने वो भी बात नज़रअंदाज करते हुए इनको ले गई। कौन था पुलिसकर्मी जिसने आपके? ये नहीं कह सकते, काफी पुलिस वाले थे। कौन से थाने का मामला है? ये थाना खंडौली। अच्छा, थाना खंडौली पुलिस आई थी, वो लोग ले गए और समझाते हुए कि ऐसे नहीं, हम अपनी कार्रवाई करते हैं, जैसे होगा वो, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी कर दी और समझा दिया सभी लोगों को। अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कार्यवाही या कोई शासन प्रशासन से का आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही बिजली विभाग से कोई अधिकारी आया है। एसडीएम साहब से बात हुई है, एसडीएम साहब ने भी एक फॉर्मेलिटी करते हुए बात ये कह दिया कि ठीक है, हमने डांट दिया उनको, कोई ना कोई आएगा, फिर भी कोई नहीं आया। एसडीएम साहब से आज सुबह मेरी बात हुई थी, तो उनका, हमने कहा साहब ये जाम लगाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है लगाओ जाम, हमने तो उनको कह दिया नहीं आ रहे तो क्या करें। विधायक जी से भी हमारी बात हुई थी, विधायक जी का भी बात करने का रवैया कुछ ऐसा ही था, ठीक है कार्रवाई करवाते हैं, करेंगे, ठीक है ऐसा कह के टाल दिया उन्होंने। बिजली विभाग वालों से मेरी जई से जब बात हुई, तो जई का ये कहना था कि कल कि हमारी प्रधान से बात हो गई, आपको जो करना है करिए, वो तो पुलिस केस होना है, वो तो करिएगा आप। तो हमने कहा साहब अपना लाइनमैन तो भेजिए, ये लाइन की लूज की वजह से लड़का संपर्क में आया है लापरवाही से, तो इसको तो सही करवाइए। तो लाइनमैन आया है, नहीं आया, उनका कहना आया, कुछ लोगों ने गांव से गांव बाहर होकर चला गया, जय नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक अधिकारी। आपने रोड जाम किया है, क्या उद्देश्य है, क्या मांग करते हो? हमारा उद्देश्य ये है कि अधिकारी आए, इनकी सुने, और जो एक मदद हो
पीड़ित परिवार की उसको करनी चाहिए इनको, और मुनासिब जो अपनी बात है इनके परिवार की सुने, पीड़ित परिवार की, और उनकी बात रखे गांव में प्रशासन के सामने। और ये बड़ी समस्या है, इससे पहले भी 11,000 की लाइन के संपर्क में आने से कई घटना घट चुकी है, कई घटना घट चुकी है, मगर प्रशासन इस पे बिल्कुल कार्रवाई नहीं करता है और लापरवाही ज्यादा है। एक युवक की मौत हुई है, मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाया गया था, क्या कुछ मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? हाँ, यहाँ पे कल एक युवक की मौत करंट लगने से हो गई है, जिसमें उनके परिजनों ने आज सड़क पे जाम लगाया था। उनकी मांग थी कि इनको मुआवजा दिलाया जाए और बिजली विभाग के द्वारा जो भी कमियाँ हैं यहाँ गाँव में, 11,000 की लाइन गई हुई है, उसको वहाँ से हटवाया जाए। बिजली विभाग ने अभी निरीक्षण किया उसका और आश्वासन दिया है कि उसको लाइन को ऊपर थोड़ा सा किया जाएगा और जो भी मुआवजा है बिजली विभाग के द्वारा और तहसील के द्वारा वो उनको जल्दी उपलब्ध कराया जाए। कितनी कितनी आर्थिक मदद की आश्वासन दिया है? जैसा बिजली विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 5,00,000 रुपये की सहायता जो है वो जल्दी ही दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे यहाँ जो पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक सहायता